बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 5 के चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट टॉपिक करेंगे, इंटरजेक्शन। पहले मैं आपको इंटरजेक्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं। तो इंटरजेक्शन इज़ एन एक्सक्लेमेशन वर्ड विच शो फीलिंग, इमोशन, एंगर एंड डिलाइट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी वो अल्फाज जो भी हमारी खुशी, गमी, हैरानगी या जो है वो हमारे कुछ अफसरदा होने को जाहिर करते हैं, वो लफ्ज इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इस हवाले से जो है वो हमारे पास एक एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है, जिसमें है अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको जो है वो पूरा सेंटेंस दे दिया गया है, जिसमें आपने इंटरजेक्शन को अंडरलाइन करना है। पहला सेंटेंस है हमारा, व्यू दैट्स वॉज अ गुड रन। अरे वाह, ये बहुत अच्छी दौड़ थी। दूसरा सेंटेंस है, वी हैव लॉस्ट द बैटल एलास। आह, हमने जंग हार दी। नंबर सी है हमारे पास, अख व्हाट अ स्मेली ड्रेन। अख, क्या बदबूदार नाली है। और लास्ट वन है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, हम मैच जीत चुके हैं। तो इन वर्ड्स में जो है वो आपको अलग अलग जो है वो इमोशंस का जो है वो इजहार जो है वो पता चल रहा है। यहाँ पर आपको जो है वो खुशी का पता चल रहा है, एलास से आपको गमी का अंदाज़ा हो रहा है कि अफसरदा है, और आँख यानी कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, और हुर्रा यानी कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा इंटरजेक्शन का टॉपिक था। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपका जो है वो एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में आपको जो है वो एक प्रेजेंटेशन बनानी है, जिसमें जो है वो आपको यहाँ पर तीन एनिमल्स दे दिए गए हैं, जिनमें हमने आपको दिया है बॉक्स जेलीफिश, ब्लैक मम्बा और मस्कीटो। तो इन तीनों एनिमल्स के हवाले से आपने जो प्रेजेंटेशन बनानी है, उसके बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपने जो है वो एक बुकलेट बनाना है छोटा सा, जिसमें आपने सबसे पहले उस एनिमल का नाम लिख देना है। नाम के बाद आपने उसका जो है वो पिक्चर पेस्ट करनी है, और पिक्चर पेस्ट करने के बाद उस एनिमल के हवाले से ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ, इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर वन है क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट मेक्स इट डेंजरस टू ह्यूमंस, यानी क्या चीज़ इसे इंसानों के लिए ख़तरनाक बनाती है। ये आप इन तीनों के बारे में जो है वो आंसर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वेदर इट हैज़ अ बैकबोन एंड स्केलेटन और समथिंग एल्स, यानी क्या इनमें बैकबोन होती है या स्केलेटन यानी ढांचा होता है, या इसके अलावा अगर कोई चीज़ होती है तो वो आप इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर इज़ यंग आर बॉर्न और हैच फ्रॉम एग्स, क्या इसके बच्चे पैदा होते हैं या फिर जो है वो बच्चे अंडों से निकलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इट ईट्स, यानी ये क्या खाता है। इज़ इट अ कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर, क्या ये गोश्त खाने वाला है या सब्जियां खाने वाला है या दोनों चीज़ों को जो है वो खाता है। एंड एनीथिंग एल्स यू कैन फाइंड आउट, और इसके अलावा भी आप जो भी कुछ इसके बारे में आपको जो है वो मालूमात हासिल होती हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। तो ये चार क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने जो है इनके आंसर देने हैं तीनों एनिमल्स के हवाले से। दोबारा बताती चलूँ, सबसे पहले आप बुकलेट बनाएंगे, बुकलेट के बाद आपने एनिमल का नाम लिखना है, एनिमल के नाम लिखने के बाद आपने इसी एनिमल की पिक्चर पेस्ट करनी है, और पिक्चर पेस्ट करने के बाद उसके नीचे आपने इन क्वेश्चंस के चारों के आपने आंसर लिख देने हैं। एक का होने के बाद आपने दूसरा एनिमल सेलेक्ट करना है, फिर उसका नाम लिख के उसकी पिक्चर लगा के उसके आपने क्वेश्चंस के आंसर दे देने, और इसी तरह थर्ड वन का भी आपने इसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस काम के लिए आप जो है वो अपने इंटरनेट पर जो है वो सर्च करके आप इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके क्लास, यकीनन आप लोग जो है वो ये समझ चुके होंगे। अच्छा।